हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा विद्यालयों से शिक्षक भर्ती, तो नई नोटिस रिलीज हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहां पर रेसिडेंस फ्री अवेलेबल कराई जाती है। स्कूल कैंपस में ही फुल टाइम टीचर्स को रहना होता है, तो दो टाइप की होती है उसमें टीचर्स की बाइफर्केशन। फुल टाइम टीचर्स को वहीं पर रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाती है कैंपस में, स्कूल कैंपस में वहाँ पर रहना होता है। और दूसरे होते हैं पार्ट टाइम टीचर्स। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं, वो पार्ट टाइम अपने क्लासेस लेकर उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल के लिए। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे बस स्क्रॉल डाउन करते जाएं, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं। अबाउट डिस्ट्रिक्ट के बाद व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू में नोटिसेस और वैकेंसीज इन कस्तूरबा गांधी स्कूल्स श्रावस्ती, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपको इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। इसमें जो पद हैं, मींस पोस्ट हैं, पूर्णकालिक मैंने बताया फुल टाइम टीचर्स होते हैं, रेसिडेंस कैंपस में दी जाती है, वहाँ पर रहना होता है 24/7। जब भी छुट्टियाँ होती है तो वेकेशंस में जा सकते हैं घर। तो फोर पोस्ट है, मैथ्स के लिए दो, हिंदी के लिए एक, इंग्लिश के लिए एक, और अंशकालिक शिक्षिका या शिक्षक। तो जो पार्ट टाइम टीचर्स होते हैं, पार्ट टाइम वाले में मेल या फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, और जो फुल टाइम होता है, फुल टाइम टीचर वाले पोस्ट पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। और नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है पहले वो हम चेक कर लेंगे। कार्यालय जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में है ये। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट आई तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में है। और इसी वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट पर है बिल्कुल, इसी को डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करते जाना है। करते हुए आप जब नीचे जाएंगे तो नोटिसेस, नोटिस ऑफ वैकेंसीज इन कस्तूरबा गांधी स्कूल्स श्रावस्ती, ये डाउनलोड हो जाएगी 9 मई 2022। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन, दो तीन दिन पहले आई थी न्यूज़पेपर में। और वेबसाइट पर अगर बात की जाए तो 12 मई को वेबसाइट पर आई है। लास्ट डेट मीन्स इसमें कैसा होता है, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करनी होती है। तो श्रावस्ती में जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, तो मतलब एक से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो पोस्ट वैकेंट होते हैं, वो सब मिला के एक डिस्ट्रिक्ट का एक साथ रिलीज किया जाता है एडवर्टीजमेंट। तो 28 मई 2022 तक शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट या सिर्फ स्पीड पोस्ट ही यूज कर सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर सकते हैं कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं करना, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब पूर्णकालिक शिक्षिका, मैंने बताया आपको कि फुल टाइम जो होता है पोस्ट, उसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए, अभी जरूरी नहीं है कि सीटेट, यूपी टेट है, सी टेट है, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और कुछ नहीं लिखा। अब आपकी क्वेरी होती है कि मेरे पास डीएलएड है, मेरे पास बीएड नहीं है, मेरे पास बीटीसी है, कुछ भी अगर आपने उस बेसिस पे टेट की हुई है, यूपी टेट या फिर सी टेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि यही चाहिए, बीएड ही चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी 22,000। और कस्तूरबा में टर्मिनेट नहीं किया जाता है कि बिल्कुल टर्मिनेट ही हो जाएगा, हो सकता है कई बार पार्ट टाइम टीचर में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वहाँ रहना कंपलसरी नहीं होता। इसमें कला शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा, संगीत, इनमें से कोई एक विषय स्नातक में टेट होना चाहिए फिर से। और कंप्यूटर वाले में, कंप्यूटर में टेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कंप्यूटर की बहुत सारी डिग्री दी हुई है, जैसे कि BCA है या BSc कंप्यूटर साइंस है या PGDCA है या फिर DOEX से ओ लेवल या ए लेवल क्लियर किया हुआ है, तो 9,800, क्योंकि पार्ट टाइम है, ये पूरे दिन काम नहीं रहता है। तो कंप्यूटर के लिए 4 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और एक पोस्ट है सहायक रसोईया, 8 पास है अगर, 5,175। एज लिमिट सभी के लिए 21 to 45 ईयर्स है। बाकी इसमें ही एप्लीकेशन फॉर्मेट दी होती है, इसको फिल कर लेना। बाकी के जो चीज़ें हैं, मतलब क्रेडेंशियल्स हैं, उनको अटैच कर लेना होता है। स्वयं का लिखा पत्ता, लिखा लिफाफा, 25-25 रुपए का डाक टिकट लगाकर संलग्न करें, मतलब दो करना होगा, 25-25 रुपए का, तो मतलब दो करना होगा। इसके बाद इसमें कोई एग्जाम वगैरह होती नहीं है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च कर रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि नहीं कर सकते, बट यूपी के कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं बाहर के स्टेट से तो एप्लीकेशन कर दें। बाकी प्रेफरेंस जब दी जाएगी तो उत्तर प्रदेश के, कस्तूरबा में दी जाती है, अपने स्टेट के कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस दी जाती है।